बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैंगलियर। हम चैप्टर नंबर 14 डिस्कस कर रहे थे और आज हमारे पास टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की मोशन किस तरीके से होती है, किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज पार्टिकल को के ऊपर असरअंदाज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होता है, किस तरीके से चार्ज पार्टिकल का बिहेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है, आज हम ये चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके पास सपोज दैट एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आपने कुछ वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर दिया। जैसे ही इन हुआ, वेलोसिटी की चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक जैसी है, सेम है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो इसकी डायरेक्शन भी सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो कि इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा। जैसे ही इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी तो इसके अंदर एक्सेलरेशन जो होगा हमारे पास वो बढ़ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की जो मिकदार है हम न्यूटन सेकंड लॉ से निकाल सकते हैं कि इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, इधर से हमने एक्सेलरेशन निकालना है तो एम नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, सो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। और ये जो फोर्स है हमारे पास, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये जो पार्टिकल के ऊपर अमल कर रही है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इज इक्वल टू हमारे पास एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, ए इज इक्वल टू क्यू ई ओवर एम। इतना एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर किसी भी चार्ज पार्टिकल के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसी बिहेवियर को हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि यही पार्टिकल जो है हमारे पास दूसरी तरफ से एंटर हो रहा है, कि उसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। सपोज दैट यही पार्टिकल इस साइड से इन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को कम कर देगा, इसकी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कम होगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पार्टिकल के ऊपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर उसकी डायरेक्शन पार्टिकल की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम होगी तो ये हमारे पास उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, तो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, उसके वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसी बिहेवियर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखते हैं, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट दिया हमने, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमारे पास क्या होंगी, नॉर्थ टू साउथ। सपोज दैट हमारे पास एक पार्टिकल आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो और पार्टिकल की जो वेलोसिटी हमारे पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर है, ये जैसे ही हमारे पास इन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है कि चार्ज पार्टिकल को सर्कल के अंदर हमारे पास रोटेट करवा देना। जैसे ही हमारे पास इन होगा तो ये इसकी मोशन को क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो होगा वो सर्कल के अंदर रोटेट करना शुरू कर देगा। लेकिन यहां पे ये देखें कि इसी पार्टिकल की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आ रही, जस्ट इसकी हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रही है ड्यू टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो होगी वो सेम रहेगी। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, मैग्नेटिक फील्ड को देखा, अब हम इसी पार्टिकल को एक ऐसी सिस्टम के अंदर, एक ऐसी चीज के अंदर इन करवाते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं। हमारे पास मोशन देख ली हमने चार्ज पार्टिकल की इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने एक ऐसी चीज के अंदर हम इसको इन कर दिया ऐसे सिस्टम में जहां पे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं, तो उस वक्त उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है कि इसकी मोशन को क्या करना, बढ़ा देना या कम कर देना, तो ये एक तरह से हमारे पास सीधा जाने की कोशिश करेगा, सीधा जाएगा पार्टिकल, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है कि उसको सर्कल के अंदर रोटेट करना। तो जहां तो अगर बेटा हमारे पास है चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर मूव करे, तो उसकी मोशन ये होगी, और ऐसी मोशन को हम हेलिकल मोशन का नाम देते हैं। ऐसी मोशन को हम हेलिकल मोशन का नाम दिया जाता है। अब हम इसकी टोटल फोर्स निकालते हैं, टोटल फोर्स कितनी होगी, एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्या होती है, क्यू ई प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ये जो फोर्स है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एफ इज इक्वल टू क्यू इनटू वी क्रॉस बी, ये फोर्स होगी। तो क्यू इनटू वी क्रॉस बी, क्यू कॉमन लेने, ई प्लस वी क्रॉस बी, ये वो फोर्स है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद होती है, और इसी फोर्स को हम लॉरेंट्स फोर्स का नाम देते हैं। अब बेटा इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम चार्ज टू मास रेशियो के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। अगर इसके बारे में आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह।